मेरा नाम रविंदर डोगरा है और मैं इस समय गवर्नमेंट आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की ऑनलाइन एडमिशन्स हो रही हैं, तो उसमें जो हमारे पास फॉर्म अभी आ रहे हैं तो मेरे को लगता है कुछ बच्चों को वहाँ दिक्कत आ रही है। कुछ बच्चों ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे अपलोड नहीं किए हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ और कैसे आपने लॉगिन करना है और किस तरह से आपने ऑनलाइन एडमिशन के लिए जाना है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा मैं। एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटो खींचनी है और उनका साइज़ जो होना चाहिए इट शुड बी लेस देन 512 KB से वो छोटे आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे होने चाहिए, उसका साइज़ जो होना चाहिए पिक्सल साइज़ जो है वो डिटेल्स आपको वहाँ पे दिए भी रहेंगी, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अगर आप बड़े हाई रेजोल्यूशन वाले मोबाइल से जैसे अगर आप फ़ोटो खींचते हैं तो आपका फ़ोटो जो होगा इट विल बी उसका जो पिक्सल साइज़ होगा वो बड़ा ज़्यादा होगा, तो उसके लिए आप जैसी ऐप्स आती हैं भारत स्कैनर ऐप है उससे आप फ़ोटो खींचेंगे तो आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो छोटा भी वहाँ पे छोटा वहाँ रहेगा और उसको आप फ़ोटो को फिर थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हैं। एडिटिंग मतलब उसका जैसे जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो आप वहाँ पे क्रॉप करके उसको काट सकते हैं, उसके लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऐप्स रहती हैं। उसी तरह साइन और फ़ोटो जो है उसको प्रॉपरली आपने क्रॉप करके उतने ही साइज़ का रखना है जितना वो रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे आपने एडमिशन लेनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप अपने मोबाइल से भी उसको कर सकते हैं, लैपटॉप से यूज़ करके भी कर सकते हैं और आप अपने आसपास जो आपके लोक मित्र केंद्र है वहाँ जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे आपका मोबाइल है तो मोबाइल में आप यहाँ पे जीसी नूरपुर गूगल में टाइप करिए तो आपको जो हमारी कॉलेज की वेबसाइट है वो लिंक आ जाएगा। आप उसमें जब जाएंगे वेबसाइट में जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो उसको आपने एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल में आप ऑप्शन आता है डेस्कटॉप साइट। डेस्कटॉप साइट का मतलब है कि जो कॉलेज की साइट है वो डेस्कटॉप जो जैसे आपके लगभग कंप्यूटर पे खुलती है वैसे वहाँ पे खुलेगी। अब यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस भी आपको दिया है, उसकी इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लेनी है कम्बिनेशन वगैरह के लिए, और यहाँ पे दिया है ऑनलाइन एडमिशन लिंक एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो इनको इंस्ट्रक्शन को आपने डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे दिया है कि आपका थोड़ा बहुत बताया गया है कि कैसे आप भर सकते हैं, एडमिशन लिंक दिया है और यहाँ पे दिया है कि मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस जो है आपने अपना देना है, किसी और का नहीं देना है क्योंकि फ्यूचर में वही कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा। और जैसे कुछ आप वहाँ पे करेंगे तो आपको उसके रिगार्डिंग आपकी ईमेल पे मेल्स भी आती रहेंगी, तो आपने अपनी ही ईमेल्स देनी है। और यहाँ पे ऑफिस स्टाफ के फ़ोन नंबर भी दिए हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ क्वेरी। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें कि जो ऑफिशियल टाइमिंग है उसी मैं आप ऑफिस स्टाफ से जो है वो कांटेक्ट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आपका कॉलेज का जो एडमिशन लिंक है, कॉलेज की जो एडमिशन लिंक है वो वहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही खुलेगा अब आपने इसको भी डेस्कटॉप साइट में यूज़ करना है, ठीक है, तो बड़े आराम से वो खुल जाएगा। और यहाँ पे जैसे आप नए कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ डालेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैं एक डमी टाइप फॉर्म भरूँगा, जैसे आपका कोर्स लेवल है अंडर ग्रेजुएट के ही सारे कोर्सेज होते हैं। अब मान लो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेनी है तो दिस इज़ बीएससी नॉन मेडिकल फर्स्ट ईयर। आपका नाम जो है फर्स्ट नेम यहाँ पे जहाँ पे स्टार दिया है वहाँ पे आपने इसको ज़रूर भरना है, ये मैंडेटरी है। और जो आपका
स्टार नहीं है वो मैंडेटरी नहीं है। जैसे आपका लास्ट नेम जो है उसको भी वहाँ पे भर दीजिए, ये डमी टाइप में आपको भर रहा हूँ। जेंडर में आप सेलेक्ट करिए, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे अपनी अपनी जो भी है आपकी डालनी है। जैसे मान लो मैं 2002 ऊपर से भी आप कर सकते हैं बड़े आराम से 09 तो यहाँ से आप इसको जैसे 2001 अक्टूबर 18 ठीक है, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे मांगेगा, तो यहाँ पे आप इसको डाल दीजिए कुछ भी आप ईमेल एड्रेस वहाँ पे जो आपका अपना है। ये तो मैं डमी टाइप वहाँ पे डाल रहा हूँ gmail.com। ठीक है, और इसके बाद मोबाइल नंबर जो आपने डालना है यहाँ पे 701 81, ये डमी टाइप मैं अपना डाल रहा हूँ। और यहाँ पे आधार नंबर आपने अपना डालना है, तो यहाँ पे जो कंफर्म करेंगे वो भी आपका सेम होना चाहिए 2 3 4 1 5 6 7 8 3 4 और यहाँ पे आप फिर इसको रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन में यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। स्क्रीनशॉट आपको पता है कि राइट साइड में आप वॉल्यूम बटन को नीचे दबाएंगे या अलग अलग मोबाइल में अलग अलग जो टेक्निक्स वहाँ पे रहती है, तो स्क्रीनशॉट मोबाइल से ले लीजिए। या फिर कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं आप गूगल में जाके वहाँ पे वीडियोस बने हैं इसके, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये मैंने नोट कर लिया। अब मैं अपना ये जो यूज़र आईडी है इसको यहाँ पे डालूँगा, ठीक है, और जो मेरा पासवर्ड है, एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि पासवर्ड आपने ज़रूरी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने नोट करके रख लेना है, आपको ये याद रहना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपका ये गुम हो जाता है तो फारगोट जो आप पासवर्ड है उसको तो रिकवर कर सकते हैं, लेकिन यूज़र आईडी के लिए आपको कॉलेज में कॉन्टैक्ट फिर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी क्लास आ गई। अब मान लो मैं सब्जेक्ट जो मेजर लेना चाहता हूँ मान लो वो फिजिक्स है, तो मैं यहाँ पे फिजिक्स भरूँगा और उसके हिसाब से कोर्सेज सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे AECC में BSc वालों के लिए राइटिंग स्किल रहेगा। अब आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैंडेटरी नहीं है, तो आपने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर फिर भी भरना है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी जाके। जैसे कैटेगरी आपकी मान लो जनरल है या SC ST OBC है, तो अगर SC ST OBC अगर आप भरते हैं या EWS भरते हैं तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो वो कैटेगरी भरिए, अगर ये आपके पास सर्टिफिकेट है तो तभी आपने भरना है। उसके बाद रिलीजन आपने अपना भर देना है, उसके बाद ब्लड ग्रुप आपको पता है तो भर दीजिए, अगर नहीं पता है तो ये मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको रहने भी दे सकते हैं, लेकिन नेशनलिटी आपने यहाँ पे ज़रूर भरनी है, नेशनलिटी आपकी मैंडेटरी है। तो जो स्टार वाले कॉलम है वो मैंडेटरी है। यहाँ पे फादर्स नेम जो है वो आपने यहाँ पे भर देना है। ये मैं डमी भर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे ही भर रहा हूँ, इसमें कुछ डाल नहीं रहा हूँ, लेकिन आपने इसमें ज़रूर वहाँ पर भरना है। और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर मांगा हुआ है वो वहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा हुआ है तो उसको आप भरिए। यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट नेम है वो आपने वहाँ पे भरना है, ठीक है, और स्टेट आप भर देंगे और पिन कोड आपने यहाँ पे डाल देना है। और मान लो आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इसको सेम कर देंगे। उसके बाद आपने जो आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम है उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी है, जैसे HPBSC ईयर ऑफ पासिंग आपका जैसे 2019 में की है, अगर गैप नहीं है आपका तो
तो आप यहाँ पे जो भी आपका 10th में रोल नंबर है, ये सब जो भरना है आपने 10th की मार्कशीट पकड़ की लेनी है ओरिजिनल, और उसको देख के भरना है, नेम, फादर नेम, मदर नेम जो भी है, और बाकी और आगे स्ट्रीम आएगी एज़ पर जनरल स्ट्रीम, स्कूल नेम आप भर दीजिए यहाँ पे, जो भी उसको डिटेल में भर दीजिए। अब जैसे जितने आपके नंबर आपके 10th में आए हैं तो उसको आप भरिए, और यहाँ पे कैलकुलेट सॉरी यहाँ पे जैसे अपने आप एरर दिखा रहा है, ये एस ए मार्क्स की परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। प्लस टू मान लो CBSE से की है, या प्लस टू भी मान लो आपने HP बोर्ड से की है, तो उसको डाल दीजिए 2021 में। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिख देंगे जो भी है आपका, स्ट्रीम जैसे आपकी नॉन मेडिकल रही या मेडिकल रही वो भरना है आपने, ठीक है। तो उसके बाद परसेंटेज आपकी, तो परसेंटेज कितने नंबर आए आपके वो यहाँ पे भरेंगे आप, और टोटल मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पे भरेंगे, और कैलकुलेट करिए और उसके बाद सेव कर दीजिए। अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल उनके लिए है जिन्होंने क्या बोलते हैं PG में एडमिशन लेनी है, तो अगर आपका क्लियर है तो आप वहाँ पे भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको रहने देंगे। अब इसके बाद आता है कि आर यू बोनाफाइड हिमाचली, ये हिमाचल की लड़कियों के लिए यानी कि अगर उनके पास बोनाफाइड है तो उसमें फ़ी रिबेट मिलता है, तो वो इसको भर सकती हैं। और इस केस में वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी अटैच करना पड़ेगा, जो सर्टिफिकेट है आपका तहसील से बनता है या क्लास वन ऑफिसर से जो बनता है, ठीक है, रेवेन्यू जो भी अथॉरिटीज़ रहती हैं तो वो आपने लगाना है। उसके बाद जो जो आपका मैंडेटरी है अगर आप उसमें आते हैं तो आपने वो वहाँ पे लगाना है। अगर आप गैप का सिलेक्ट करते हैं तो यस करेंगे, फिर गैप का आपको सर्टिफिकेट भी वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। तो इसको सेव करिए और नेक्स्ट पे चाहिए। अब यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे अपलोड करेक्टर सर्टिफिकेट्स, तो आप फाइल्स में जाएंगे, ठीक है, और फाइल्स में जाके आपका जैसे ये है इसको आप अपलोड कर देंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट में। ये तो मैं आपको डमी बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे लगा रहा हूँ फाइल का साइज़। उसके बाद ये अपलोड मैट्रिक सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद आपका जो फ़ोटो है तो आप वहाँ पे जो आपका फ़ोटो है उसको भी वहाँ से अपलोड कर दीजिए एज़ पर जो भी फॉर्मेट है, उसका साइज़ वगैरह आपने देख लेना है, ठीक है, तो उसको अपलोड करिए और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा कि ये फॉर्म आपने फिल कर दिया है। और एट लास्ट एक बार इसको फिर से चेक कर लीजिए, और उसके बाद ये जितने आपके कॉलम हैं उन पे दबाइए आप कि मैं जो घोषणा करता हूँ ये सब ठीक है एंड आई विल डू द फाइनल सबमिशन। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल डू द फाइनल सबमिशन, और जैसे ही आप फाइनल सबमिशन करते हैं उसमें याद आपके कॉलेज के जो टीचर हैं उनके लॉगिन में ये आ जाएगा, और वो क्या करेंगे इसको चेक करेंगे, वो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर ये ओके नहीं है, ठीक है, और अगर ये उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो वो इस फॉर्म को अनलॉक कर देंगे और वापस रिमार्क डाल के आपको भेज देंगे। जैसे मान लो आपका डॉक्यूमेंट ठीक ढंग से नहीं लगा है तो वो क्या करेंगे कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाइए और उसके बाद आप फिर से सबमिट करिए। तो उसके बाद फिर से आप सबमिशन करेंगे, उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन के बाद वो आपको अप्रूव कर देंगे, ठीक है, प्रोविजनली या जैसे भी जिस तरह से अप्रूव करेंगे, तो वो आपने जब आप अप्रूव हो जाएंगे प्रोविजनली उसके बाद आपने अपनी फ़ीस जो है पेमेंट में जाके जमा करानी है, उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पे मेल मिलेगा। अब पेमेंट जो है आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से कर सकते हैं। इस केस में अगर रुपए का जो अगर डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, UPI से पेमेंट करते हैं, तो उस केस में आपके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वहां पे नहीं लगे हैं। तो इसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप जो पेमेंट करें वो UPI से करें या डेबिट कार्ड से, रुपए डेबिट कार्ड से पेमेंट वहां पे करें। और जो आप 10+2 का रिज़ल्ट अगर आपका नहीं आया है तो आपने जो बोर्ड की साइट है जैसे CBSE के केस में CBSE की, पंजाब के केस में पंजाब बोर्ड की, और हिमाचल के केस में HP बोर्ड की साइट से उसको डाउनलोड करना है, और उसके बाद या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको प्रिंट करिए और एज PDF वो अपने आप सेव हो जाएगा, उसको फिर अपलोड करिए। अदर साइट से उसको अपलोड मत करिए जो भी आपका इंटरनेट से रिज़ल्ट आ रहा है। और
जो डॉक्यूमेंट हों वो आपके प्रॉपर हों, उनको थोड़ा सा प्रॉपरली सेटिंग उनकी ठीक कर दीजिए ताकि आपको अपलोडिंग में प्रॉब्लम ना आए और जो आपका डॉक्यूमेंट चेक करे उसके लिए वो बिल्कुल क्लियर हो। तो जब अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, फाइनल पेमेंट के लिए आप ऑनलाइन ही आपकी पेमेंट होगी, उसके बाद आपकी एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। और जो आपकी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है उसके लिए आप जो कॉलेज के ग्रुप हैं उसमें इंफॉर्मेशन डाली जा रही है और जो डायरेक्टरेट की साइट है उसमें भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से आपने वहाँ पे इसको सारे प्रोसेस को करना है और जितना जल्दी आप कर सकते हैं जो एडमिशन ले सकते हैं वो जल्दी वहाँ पे अप्लाई करिए। सो ये आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप जो इंस्ट्रक्शंस में नंबर दिए हैं फ़ोन नंबर उसमें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।